अरे लाइट को टर्न करो. अरे यार मैं कहां से बोलूं, रेडी आर्टिस्ट को बुलाओ ना. अरे लाइंस एक बार कर लो, बॉस आने वाले हैं. अरे वो बेबी पे कौन है? अरे समझे यार, कटर पकड़ो. चलो मुगले आजम बना रहे हैं. ग्लेयर आ रहा है, ग्लेयर काटो. अरे बॉस आ गए, बॉस आ गए. साइलेंस. रोल कैमरा. रोलिंग. एक्शन. हाय फोक्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जोक पे जोक. एक बार मंजीत पाजी एक पंखे की दुकान में पंखा खरीदने गए तो सेल्समैन ने एक पंखा टेबल पे रखा और कहा, ये पंखा 2000 रुपए का है, इसमें 3 स्पीड्स हैं. तो मंजीत पाजी ने कहा, ओए ये पंखा तो बहुत महंगा है. तो उसके बाद सेल्समैन ने एक दूसरा पंखा टेबल पे रखा और कहा, ये पंखा 1000 रुपए का है, ये काफी ठंडी हवा देता है. तो मंजीत पाजी ने कहा, ओए ये पंखा तो बहुत महंगा है. फिर सेल्समैन ने तीसरा पंखा टेबल पे रखा और कहा, ये पंखा 1 रुपए का है. तो मंजीत पाजी ने कहा, वाओ ब्यूटी, लेकिन ये चलता कैसे? तो सेल्समैन ने कहा, बस इसे यूं ही टेबल पे रख के अपनी मुंडी लेफ्ट राइट घुमाइए और ठंडी हवा का मजा लीजिए. अला शो बुक पड़ा भाई री बोलछ तू ही कान भी किन तू ही कान भी तोर को रुलाएगा. नहीं 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 चोर खत्म करके छोड़. रुक रुक. अच्छा तुम्हारा आज का इस महीने का सर रिकॉर्ड खत्म, फिनिश. पिछले 4 महीने का भी नहीं मिला सर. किरे की चुप. सब को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ. ये हमारा चैनल का बैंड बजा दिया साला गाधा. लुक एट दिस, यू नो व्हाट इज दिस? जिग्मा टीवी. हमारा जिग्मा टीवी एक हाथ था के शॉप से नीचे आया है. हमारा जिग्मा टीवी शॉप से नीचे, बाकी का शॉप चैनल ऊपर. इट वॉज 1700, 1700 रुपए जिसका शेयर था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 270. डू यू नो भाई? मे आई कम इन बॉस? दिस इज भाई, ऐसा बोका हादा लोग हमारा चैनल के अंदर काज करता है. स्टूडियो से कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए कितना समय लगता है? 7 मिनट बॉस. वेरी इंटेलिजेंट. सॉरी बॉस. क्या यार, क्या है? बैकअप करने को टाइम लगता है यार. प्रोग्रामिंग में है, आज ही उसका पहला दिन है. तू जानता है उसको? हाँ, उसे भी और उसका सेल नंबर भी. अरे तो देना. दिया. कहाँ दिया? अबे उसका नाम है दिया. ओ दिया, अभी से SMS भेजता हूँ. अच्छा, नंबर दे. ले 98200 422269. गुड. नंबर भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है. लग रहा है ना? तो निकल जाओ बस. तुम बोलो. बोलो सर. हम बोला था ना कि शॉप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेगा. किसका बोझा सर? आपका सर. आपका? मिस दिया. हाँ? आज शाम को आप फ्री है? हाँ. अगर आज शाम को आप फ्री है तो मिस्टर टोनी आपको चाय पे ले जाने को शकता है. What? मैसेज आया उनका, यू शुड रिप्लाई टू हिम इमीडिएटली, है ना? और ये चैनल वैनल का बात तो होता रहेगा, क्यों टोनी? ओके बॉस. मैंने तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया है. But sir. Get out! दिया, come on. I'm sorry. दिया, please. जू चलोगे? Come on, दिया. तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? दिन भर बेकार बैठे रहोगे लेकिन जहाँ जाना वहीं जाओगे. देख लेना, आज दिन भर तुम्हें एक भी पैसेंजर नहीं मिलेगा. प्लीज भाई साहब जाने दीजिए, मूड थोड़ा खराब है. हाँ? प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए. अरे यार, मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो? अगर गाली देनी तो मुझे दो ना. And I said I'm sorry. कितनी बार कहूँ? हाँ? तो मत बोलो. Just shut up and leave me alone. Not until you forgive me. I'm losing it, Tony. Just go away. Come on, यादिया. Please forgive me. Just go away. क्या समझते हो अपने आप को? आते जैसे लोगों को मारती हो, पगली कहीं की. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ. मैंने सिर्फ तुम्हारी फाइल उठाई. अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. गेट लॉस्ट. दिया, अरे कम से कम अपनी फाइल तो लेती जाओ. हुमदम, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इधर वापस आने का? सर
ये एक ऐसा आइडिया है जो आपके चैनल को वापस नंबर वन पोजीशन पर ले आएगा। वही सास बहू का प्रोग्राम है, आमाई की बोका शोर भेबेचो। सर आप मेरी एक सवाल का जवाब देंगे? तो अभी हम बॉर्नविटा का क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहा है, पूछो पूछो। सर अगर एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक महीने तक एक दूसरे के साथ रहें तो क्या होगा? व्हाट अ क्वेश्चन। आदत सर, आदत। दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, और सर प्यार एक आदत है। जब किसी की आदत पड़ जाती है ना सर, तब उसके बिना जीना नामुमकिन हो जाता है। व्हाट इज द आइडिया? अगर हम ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की को एक महीने तक साथ रखें और फिर पूछें कि उन्हें प्यार चाहिए या 10 करोड़ रुपए, तो वो क्या चुनेंगे, प्यार या पैसा? हम क्यों पूछेगा सर? बिकॉज दैट्स आर गेम शो। गेम शो? यस सर। इस गेम शो में एक लड़का और एक लड़की हिस्सा लेंगे। दोनों को एक दूसरे के साथ एक महीने तक रहना होगा। उस एक महीने में 4 राउंड खेले जाएंगे। हर एक राउंड उन्हें एक दूसरे के करीब लाएगा, और ठीक एक महीने बाद जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, तब हम उनसे पूछेंगे उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए या 10 करोड़ रुपए। अगर वो लोग 10 करोड़ रुपया चुना तो? तो फिर वो एक दूसरे से 20 साल तक नहीं मिल सकते। और सर अगर उन्होंने प्यार चुना तो उन्हें 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। चूज लव लूज मनी, चूज मनी लूज लव। सर ऐसा गेम शो आज तक किसी चैनल पर नहीं आया सर। ये शो पूरी दुनिया में धूम मचा देगा सर, धूम मचा देगा। और हमारा चैनल कहां से कहां पहुंच जाएगा सर? नंबर वन हो जाएगा सर, नंबर वन। एंड द अवार्ड गोज टू सिग्मा टीवी। व्हाट डू यू थिंक सर? एक्सीलेंट, वेरी गुड। जाओ जाके शो का तैयारी करो। पर मेरी 3 शर्तें सर। सर मेरी पहली शर्त यह है कि आज से मेरी तनख्वाह डबल। ठीक है। सर मेरी दूसरी शर्त यह है कि कल से आप दिया को भी काम पे रखेंगे। ओके। मेरी तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे कभी जूते से नहीं मारेंगे। निचे घर, हट। अब जाओ ढूंढो जाके लड़का लड़की। तो भाई और बहनों, हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके मोहल्ले में, जहां हमारा कंप्यूटर आप में से ही चुनेगा एक लड़का और एक लड़की, जो खेलेंगे द बिगेस्ट गेम शो एवर, हमदम। रुपए मिल जाएं। मैं इसलिए खेलना चाहता हूं ताकि 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 अपने डैड के लिए, ताकि मैं अपने लिए लिपस्टिक खरीद सकूं। क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था। मैं नहीं बताऊंगी। और एक बॉयफ्रेंड भी खरीद सकूं। मैं भी खरीद सकता हूं क्या? ताकि हम अपना घर बसा सके। ताकि रुतु कोल्ड रिंग्स, कोल्ड रिंग्स, यस ले लीजिए ना।
क्या हुआ? मुझे इडली सांभर चाहिए दादी, यहाँ सिर्फ सैंडविच और पिज्जा मिलता है, नो इडली सांभर दादी, प्लीज ग्रो अप दादी। जा तू जा, जा। ग्रो अप दादी, अगर ज्यादा ग्रो अप करूंगी तो ऊपर ही चली जाऊंगी। ए रोहित, दैट्स गोना किल यू, इतना केचप खराब है तुम्हारे लिए। रहने दो आशुतोष, मेरा भाई है ही जिद्दी, किसी की भी नहीं सुनेगा, जाने दो इसे। देखो देखो कैसे खा रहा है बंदर। जब आशुतोष यूनिवर्सिटी में टॉप आया तो बेचारा रो पड़ा था। हाँ, खुशी के आंसू, दुख के आंसू आनंद जी, उन लोगों के बारे में सोचकर जो बेचारे फेल हुए थे। अब मैं उसका बाप हूँ, अपने बेटे की तारीफ अपने मुंह से कैसे कर सकता हूँ। खाइए ना आप लोग, खाइए खाइए। ये कितना है जी? इससे पहले कितने खा चुके हो? माँ, क्या माँ, इसके मुंह से बू आ रही है, देखो नीम से दांत उन किया करो, समझे? I'm sorry, इनकी बात का बुरा मत मानिए। माँ तो ऐसे ही। It's okay, okay, it's okay. And what about you? शादी के बाद तुम अब्रॉड सेटल होना चाहोगी? It's okay, मैंने सोचा नहीं अभी इस बारे में। अरे रोहित, सही बात। बेटा ये पैक कर दो। अरे माँ रहने दो। अरे क्या रहने दो, पैसे दिए हैं ना, पैक करना। हाँ अच्छा किया। हाँ, जब आप लोग घर पे डिनर के लिए आएंगे ना तो खाएंगे, फ्रिज में रह जाएगा। माँ। हेलो मिसेस कामत। ओ नो, नॉट अगेन, रोज बहाने हैं मुझसे मिलने के। अच्छा मैं आती हूँ। ओके आशुतोष, मुझे जाना है, उसने खाना नहीं खाया, नहाया नहीं अभी तक, मैं आती हूँ। हाँ कौन? अरे राहुल, मैं आती हूँ। हे लिसन, आई मुझे जाना होगा, आई एम गोइंग टू मीट राहुल। मैंने कितनी बार कहा है अभी राहुल का चक्कर छोड़ दो। प्लीज आई, उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया और नहाया भी नहीं है, है ना? लेकिन रुतु, हम यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज। अरे जाने दो ना बेचारे को, देखो ना कितनी परेशान हो रही है। तू जा, तू जा, जा जा जा। दैट्स योर डॉल, बाय बाय अंकल, बाय आंटी। हे आई एम आल्सो कमिंग। अरे मुझे भी इस राहुल से मिलना है यार। मैं आप लोगों को आशुतोष की एक नई खूबी बताता हूँ। अरे अब तुम बस भी करो, राहुल मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। अच्छा? हमेशा परेशान कर देते हैं। अरे बस बस यही रोक दो। हाँ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बहुत जल्दी राहुल से मिलने की, कोई बात नहीं। अरे रुतु आगे, ये राहुल तो बिल्कुल पागल हो गया है। आंटी आप जानती है ना वो कैसा है, कहाँ है वो? वहाँ है, मैं देखती हूँ। वो रहा, अब झेलो इसे। आजा 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 आजा, कम ऑन आजा। ये तो कुत्ता है। हाँ तो आई मीन बड़ा प्यारा कुत्ता है। प्लीज आशुतोष, इसे कुत्ता मत कहो, ही इज लाइक माय बेबी ब्रदर, मेरा छोटा भाई है ये। हाँ छोटा भाई है ना, है ना? इसे पकड़ो, चलो मैं तुम्हें औरों से मिलाती हूँ, कम ऑन ब्रदर। वो देखो, वो है संतोष, वो है मॉन्टी और वो है अंजलि। अंजलि वो दोनों है ना वहाँ, जय वीरू। जय वीरू, दे आर सो क्यूट, लुक एट देम। उसे देखो अनारकली कैसे नाच रही है। सब स्टार डॉग्स यहाँ पर, अमर अकबर, एंथनी, टार्जन, जय वीरू, टार्जन, ओह गॉड। और इसका नाम है मुगैम्बो, पता है क्यों? क्योंकि अगर गलती से इसके सामने हवा हवाई कह दो ना तो ये झपट पड़ता है। ओह, और अगर गलती से इसके सामने आंख मार दो तो बस तुम गए, हमेशा गुस्से में रहता है ये। उफ, गुस्से में ये मुगैम्बो। हे मुगैम्बो, बी केयरफुल आशुतोष, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम उसे नहीं कह रही हो, मुझे बोल रही हो। कम ऑन आशुतोष, इनको क्या बोलूं मैं? यू डोंट लाइक पेट्स? ओह नो, I love them, I love them, yeah. Good. चलो हम दोनों मिलके ऐसे नहलाते हैं। Come on, let's go. Oh God. मैंने तो नहा लिया। अब तुम चाहो तो इसे नहला लो। नहाते ही सो गया। Oh auntie, I'm so sorry. मैं आप दोनों को introduce कराना भूल गई।
ये हैं आशुतोष मेरे फियांसे और ये मिसेस कामत। हाय। सारे बच्चे इन्हीं के हैं। आपके? व्हाट अ फैमिली। आप जैसी माँ हैं, रुतु जैसी बहन है, लकी किड्स। सलाम आपा, खैरियत? पहचान है क्या? बहराम भाई, एक जुमा निकल गया, पांच जुमा बाकी है, इसलिए याद दिलाने आया। वो क्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, याददाश्त कम होती चली जाती है। एक होगा बोले तो एक करो। वैसे मैंने सोचा, लगता है गलत वक्त पे खांचा मार दिया, बाद में आ जाऊंगा। कहिए। हम रुतु जोशी से मिलना चाहते हैं। बोलो। अरे बोलो ना। वो हम जिग्मा टीवी से आए हैं, रुतु जोशी सिलेक्ट हुई हैं हमारे। जाके अपने बाप को बुला के ला, हर वक्त टीवी 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 टीवी। चल मुझे लगता है कि सैंडविच खा लो, सैंडविच। क्या है क्या, हम लोग दोपहर को होटल में गए थे, वहाँ दो टुकड़े रह गए, तो मैं पैक करा के ले आई। अच्छा हुआ अब काम आ गए। क्या हुआ, खाओ ना। हमें भूख नहीं आती। और तुम जी, नीचे का कपड़ा भूल गई हो क्या? चाहो तो मुझसे दो साड़ियाँ लेके जाओ। कैन आई हेल्प यू? नहीं, हम शायद गलत घर में आ गए। चुनी, लेट्स गो। लो, लगता है रुतु आ गई। सुनाई नहीं देता, कब से बेल बजा रही हूँ, स्टूपिड। क्या हुआ आई? बाबा गुरमीत फोन कैमरा। हाय, आई एम टोनी फ्रॉम सिग्मा टीवी, असली मस्ती असली मजा। और ये है रुतु जोशी, उम्र सिर्फ 22 साल, एंड यू आर फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर आवर मेगा गेम शो हमदम, जिसमें आप जीत सकते हैं 10 करोड़ का इनाम। इजंट इट एक्साइटिंग? Say something. Come on, Rutu. Say it. Come on. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. excuse me. क्या आपके पास मेरे साइज के कुछ जीन्स और टी-शर्ट्स मिलेंगे? Yeah, sure. मैं आपके मेजरमेंट्स ले लेता हूँ। इसकी टी-शर्ट्स इतने ही हैं? हाँ? आप कौन से लेना चाहेंगे? वो एक्चुअली मैं भी कपड़े खरीदने आया था। यार, इस तरह के रोमांटिक सपनों के बीच हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है? उस लड़की का फोन आया था, दार्सन एंड टूब्रो में तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन पहुंच गया है,
वहां मिसेस कपाडिया से मिलना होगा। मिसेस कपाडिया? गुड मॉर्निंग मिसेस कपाडिया। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप एक मौका तो दीजिए। आज से आपकी नौकरी पक्की। 9 to 6 रात को। रात को? मुझे करना क्या पड़ेगा? ये मेरा प्यून है, आपको सब समझा देगा। ओह नो! क्या नो? नो। आगे तुम पढ़ना नहीं चाहते, जॉब के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, लाइफ में कुछ करोगे या नहीं? नहीं। हाँ नहीं, आई मीन आपने जो पहले कहा उसका जवाब हाँ। जिंदगी को संभालो, बाद में समझ में आएगा तुमने कितना वक्त बर्बाद कर दिया है। और ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो पीछे से इशारे कर रहा है, खुद की जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर रहा है। मान गए यार, तेरे बाप की तो 5-5 आके हैं। 5 नहीं, 4। 4 है? मुहावरे में 4 होती है ना, वो तो लड़कियों से 4 होती है ना। तू बोल किस लिए आया था? अबे तू उसे देखेगा ना, देखते ही रह जाएगा, क्या पीस है, पहली नजर में तू उसमें तबाह हो जाएगा। फिदा फिदा हो जाऊंगा। वही यार, ये देख क्या बॉडी है, क्या चाल है, क्या फ्रंट है, क्या बैक है। मैन इट्स अ रियल ब्यूटी। और ये जब चलती है ना, घटा से बातें करती है। हवा, हवा से है ना, टायर में हवा है। यार ऐसी गाड़ी हमारे पास कब होगी? अभी है ना, अपने ही पास है। क्या? हाँ, पटेल के गैराज में आई थी, सच्ची? थोड़ी स्क्रैच हो गई थी, उल्लू बना के ले आया। What are you saying, man? कल वापस ले जाऊंगा, वो भी शाम को। जल्दी चल, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wow! कब तक जवानी छुपाओगी रानी? हाय अंकल, आई क्या कोई नहीं? वो वाली डीवीडी? The big turn on. My God, hey ओम, ये देखी तूने? देखी है यार। Are you sure? अबे हाँ, याद नहीं क्या, उस दिन यही तो लेकर गए थे, और पीछे से तेरे डैड आ गए थे, उस दिन तो अपनी खटिया बैठ जाने वाली थी। खड़ी होने वाली थी। कौन खड़ी होने वाली थी? तू जाने देना यार, तू ये देख। हे, तूने ये देखी है क्या? आई थिंक इट्स गोना बी ग्रेट। हाँ पकड़। दिस इज हॉटर यार। वाओ, पकड़ पकड़ इसको। हाँ? ये तो जबरदस्त होगी, पकड़। ओ नो, ओ आई एम सॉरी, वो मैंने सोचा मेरा फ्रेंड, इसीलिए आई एम सॉरी। हाँ ऐसी फिल्में देखते हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए, यही सीखा है तुमने अपने माँ बाप से। क्यों शर्मा जी, आप ऐसी फिल्में रखते हैं लाइब्रेरी में? हमारी जवानी में भी ऐसी फिल्में बनती थी, मगर हमने कभी ऐसी फिल्में देखी नहीं। बैड लक। हाँ? नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो बेटा, ये तुम्हारे पढ़ाई करने के दिन है, न कि ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखने की। तुम अच्छे खानदान के लगते हो, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, समझे? तुम मेरे बेटे जैसे हो। और शर्मा जी, आप ऐसी फिल्में रखना बंद कर दीजिए, वरना आजकल के बच्चे और भी बिगड़ जाएंगे। अंकल, हमें आपकी बात समझ में आ गई, आपकी कन्या, आई मीन अछूत कन्या, तुम लोगों को ऐसी ही फिल्में देखनी चाहिए। इन फिल्मों से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, मैं तो आज तक सीख रहा हूँ। I'm sure अंकल, सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। Good my boy, I am proud of you, keep it up। शर्मा जी, इनको ऐसी 2-3 फिल्में और दे दीजिए, कितने अच्छे बच्चे हैं। अंकल की तो कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी।
सितारों पे रखना है हमको कदम, थक जाएंगे रास्ते रुकेंगे ना हम, उड़ते रहे ऊंची उड़ान जब तक है जान बाकी, छू लिए बादल तो क्या है अभी आसमां बाकी। Forget about blues in life, oh yeah baby, there ain't no rules in life, oh yeah baby. ये तो सब नंगे हैं। पतझड़ के मौसम बदल जाएंगे, हम जमाने से आगे निकल जाएंगे, हर पल जिएंगे इस अंदाज से, खिलाड़ियों में एक हम नजर आएंगे। उड़ते रहे ऊंची उड़ान जब तक है जान बाकी, छू लिए बादल तो क्या है अभी आसमां बाकी। Forget about the blues in life, oh yeah baby, there ain't no rules in life, oh yeah baby. It's time to get going with the chilled out act, 'cause there's nothing more to life and that's a fact. You gotta climb the heights and touch the sky, without a clippity-cloppity over the comedy we call life. And say, I will get through, I'm gonna bend the rules, forget my blues, there ain't gonna be no other who can take my place, 'cause I'm nothing but the best, I say it in your face. Shabash area, sheria, shabash area, o chak de patte de duniya te chhaja, o chhiti chhitiya na. गलती हो गई, I'm really sorry. ओ एक्सीडेंट जानबूझकर कौन करता है, गलती सही होता है। शुक्र कर पुलिस में कंप्लेन नहीं लिखवाई हमने, ट्रक वाले को भी पटा लिया। पैसे दे दे और पतली गली से निकल जा। पतली गली? यहाँ तो कोई पतली गली है नहीं। तो पैसे कैसे अदा करोगे? पटेल जी पैसे? और नहीं तो क्या, 70 लाख। हमारे पास अगर 70 लाख होते तो क्या हम यहाँ होते? अरे भाई बाप दादा का कोई घर वर तो होगा ना। मेरा नहीं है, इसका है। वो गुलमोहर रोड पर कोने पर बड़ा सा जो बंगला है ना, इसी का है ना सिद्धू? पाजी उस इलाके दा छोटा मोटा बंगला भी 4-4.5 करोड़ से कम दा नहीं आएगा। लो तुम्हारी टेंशन खत्म, भाई बंगला बेच दो और 70 लाख रुपए अदा कर दो। वो मेरे डैड का है। अरे तो अपने डैड को बोलो ना, वो बेच के पैसा दे दे। नहीं, आपको इंश्योरेंस कंपनी से सारे पैसे मिल जाएंगे। गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने ठोकी थी? नहीं सर जी, बोला ना इसने ठोकी है। देखो भाई मैं तुम्हारे डैड से बात करता हूँ, समझदार होंगे तो पैसा दे देंगे। नहीं नहीं, मेरे डैड को कुछ मत बोलना, वो मेरे लिए घर तो बेच देंगे मगर वो मेरी इतनी बड़ी गलती को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी उम्मीदें मैंने आज तक कभी पूरी नहीं की, अब भरोसा भी तोड़ दिया तो वो टूट जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो फिर कैसे होगा? मैं दूंगा आपको 70 लाख, कुछ भी करूंगा, कैसे भी दूंगा, लेकिन आप मेरे डैड को कुछ मत बोलना प्लीज। कब देगा? आज हैगी 15, तो तुसी 15 दिन होर ला लो, 30 तारीख को लेके आ जा।
15 दिन में क्या होगा? अरे तो 16 दिन ले लो। हरविंदर जरा इनका पता और टेलीफोन नंबर नोट कर लो और जरा हाल चाल भी लेते रहना, कहीं ऐसा ना भाग जाए। क्या बात कर रहे हैं सर, अब पानी में रहकर हम छचुंदर से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं? ओए मगरमच्छ, उससे भी दुश्मनी नहीं कर सकते ना। पहली तारीख याद रखना, पहली तारीख को तुम यहां पर पैसे लेकर आओगे, वरना 2 तारीख को हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वाट लगा दी तूने? मैंने वाट लगा दी? तूने कहा ड्राइव कर, मैंने किया। ड्राइव करने को कहा था, हैंड ब्रेक छोड़ के पिकनिक पे जाने को नहीं। और ड्राइविंग नहीं आती ना तो स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा मत बोल। आप तू ज्यादा मत बोल, मतलब एक तो तूने गाड़ी के 11 बजा दिए। अच्छा, इसलिए तूने मेरे घर के 12 बजा दिए? और क्या करता? मेरे बाप को बताता या तेरे बाप को? अरे बाप को कुछ बोला ना तू। देख सिद्धू, सिद्धू मार मत, तुम्हारे घर तुम्हारे घर मैं भी तुझे मारूंगा। ये रे तेरी तो, मेरे बाप को बोलेगा तू? क्या करेगा? बोला डैड, वो इसकी पीठ की नस चढ़ गई थी, इसीलिए मैं स्ट्रेचिंग करवा रहा था। अब ठीक है वो? हाँ ठीक है ना? एकदम ठीक है। मैं वैसे ही जा रहा था। निकल ले। कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। जी मिलता हूं। In here? Okay. Roll camera. Come on, guys. Right, check you. Lights on. Hi, I'm Tony from Sigma TV. Asli Masti Asli Maza. And you are our first male contestant of our mega game show, Humdum, the game of love and money. Hey, buddy, are you okay? Aap kuch kehna chahenge? To the camera. Are you serious? Shit. सोच, 1 महीना एक लड़की के साथ सिर्फ 4 राउंड और 10 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन यार, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तू 1 महीना और एक लड़की के साथ? हाँ। नहीं मिलने वाले 10 करोड़ रुपए। क्यों? लड़की, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, लड़की का नाम सुनते ही तू सपनों में खो जाता है। तो लड़की सामने आएगी तो अगरबत्ती की तरह पिघल जाएगा। मोमबत्ती की तरह ड्रॉर में है ना, क्या करेगा मोमबत्ती का? अबे तेरा मुंह बंद करूंगा। क्या तूने मुझे क्या अपनी तरह समझा? अभी 10 करोड़ रुपए के लिए मैं एक लड़की तो क्या 10 लड़कियां छोड़ सकता हूँ, तुझे पता है? एंड यू नो व्हाट, जब मेरे पास 10 करोड़ रुपए होंगे ना तो मेरे पास 10 करोड़ लड़कियां भी आ जाएंगी। क्या बात कर रहा है यार, 1 रुपए में एक? शट अप यार। लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी अगर पैसे के बदले प्यार को चुना तो किसी को नहीं मिलेंगे 10 करोड़। हाँ तो कहीं वो लड़की स्टूपिड निकली और तुझ पर टट्टू हो गई तो? लट्टू हो सकती है, वैसे भी स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग लड़के पर तो कोई भी लट्टू हो सकती है। नहीं मैं तेरी बात कर रहा हूँ यार। मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। ओह मैंने तो सोच लिया, मैं उसे आशिक नहीं होने दूंगा। शी इज गोइंग टू हेट मी फ्रॉम डे 1। सिद्धांत, हाय हैंडसम, आई एम बहादुर, योर मेकअप मैन। ओह माय गॉड, व्हाट? यहाँ पे तो मिरर ही नहीं है, मैं बिना मिरर के कैसे काम कर सकते हैं? नो, आई वांट अ मिरर। मैं अभी लेकर आते हैं। यू वेट राइट हियर हनी। ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। मैं हमदम की कंटेस्टेंट हूँ, मेकअप के लिए इसी रूम में। ओह यस मिस, मैं आप ही का वेट करूंगी, प्लीज कम हनी, सिट डाउन सिट डाउन। मैं बहादुर, योर मेकअप मैन।
लगाती है। हम लोग को जल्दी करो, जल्दी संभल करके आओ। मेरा काम तो हो गया, जो बाजारी मैं अभी जाके मेरे लेके आते हैं। ओके बाय। संभाल के आराम से। हाँ आओ आओ आओ। ओह माय गॉड, थैंक यू बॉयज, कम ऑन सिद्धांत। Welcome to the biggest game show ever, Humdum, the game of love and money. I'm Tony, and this is the beautiful and sensuous Tia. Money without honey and honey without money is bekar. लेकिन हमारे इस गेम शो में आपको मिलेगा या तो हनी या मनी। Isn't it difficult to choose? It is. तो मिलिए हमारे पहले कॉन्टेस्टेंट से, सिद्धांत जय। ये लड़का, इसे कहीं देखा है? हाय सिद्धांत। हाय। नर्वस? नॉट रियली। गुड, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। Have you fallen in love before? पहले कभी प्यार हुआ है? I mean कभी किसी लड़की से? No, हुआ तो नहीं। वैसे अगर होगा तो लड़की से ही होगा। चलो मान लिया कि सिद्धांत की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हमने इनके लिए एक गर्लफ्रेंड तलाश कर ली है। Well, actually girl तो वो है, फ्रेंड बनाना इनका काम होगा। I'm talking about हमारी शो की दूसरी कॉन्टेस्टेंट, रुतु जोशी। ये लड़का, इसे कहीं देखा है? आनंद प्लीज देखने दो ना। एनीवेज टेल मी ऋतु, तुम्हारे डैड मॉम फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड सबका रिएक्शन क्या था? क्योंकि हमारा शो हमारे कल्चर के हिसाब से काफी बोल्ड है। या यू आर राइट, सबको मनाना मुश्किल होता है, पर मैं जानती हूँ इस गेम शो में हिस्सा लेने से पहले मुझे आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था। मगर बाबा आप सोचिए, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बाबा। प्लीज बाबा मान जाइए, प्लीज प्लीज। हाँ तो करो ना। हा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आशुतोष से बात की। आफ्टर ऑल जैसा तुमने कहा, इट्स जस्ट अ गेम, नो प्रॉब्लम्स। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था। आई रियली वांट टू थैंक देम फॉर दिस। और सिद्धांत, आपने आपने यहाँ आने से पहले क्या किया? मैं मंदिर गया था भगवान के पैर छूने। सर, प्लीज, हमें एक महीने का मौका दे दीजिए सर। सर, एक महीने के बाद हम आपको 70 लाख विद इंटरेस्ट लाके देंगे सर। प्लीज सर, प्लीज सर, दिखा ना। हाँ, ये देखिए सर, इसे गेम शो में 10 करोड़ मिलने वाले हैं सर, 10 करोड़। फिर तो 70 लाख इसके लिए सर कान का मेल हो जाएगा ना। हाथ का मैल? हाथ तो मेरा साफ है। बस उसी भगवान की कृपा से मैं यहाँ हूँ। That's great. तो क्या मांगा आपने भगवान से? लावा मनी? Definitely मनी, इसलिए तो मैं गेम खेल रहा हूँ। और तुम ऋतु? Of course मनी। That's cool. But remember, अगर आप दोनों का यही जवाब 4 राउंड के बाद तक रहा तो ही आपको 10 करोड़ मिल पाएंगे, लेकिन फिर आप एक दूसरे को 20 साल तक नहीं मिल सकते। All right. हमने आप दोनों की डेट का इंतजाम कर दिया है। दिया, विल यू? दिस इज आवर फर्स्ट राउंड, उससे दोस्ती करोगे? आर यू गाइस रेडी फॉर इट? इस पूरे हफ्ते होगा लॉट्स ऑफ मस्ती, लॉट्स ऑफ मजा, शॉपिंग, खाना पीना, घूमना फिरना, एंड होपफुली नो लड़ना झगड़ना। मैम प्लीज। ओह सो स्वीट, यू आर फुल, यू आर मोस्ट वेलकम। तेरे पैसे तू कितना बोला बाला लगता है,
और अंदर से तू माँ पोछा लगा, समझा? टिकरी, उसे दूर आइना हाँ, सदा करी था। दो बार खोदाई जी बचाओ, आजकल ना लोफर छोकरा होती। So sweet, पड़ी ना? हाँ? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अभी दिखाता हूँ इस मोटी को। You are so sexy. Figure hai yaar. You're looking sexy in red. Enough is just enough, Sidhant. How dare you call me sexy? Ji, Rrutu ji, aapne kuch farmaya? You are sick. You are disgusting. Tum is putle se baat kar rahe ho? Putle? I'm so sorry, sweetheart. I'm so sorry. Ye tumse jalti hai. Khud to BTM hai na? Arey, Benji Town model. ये जानती है कि लाइफ में कभी तुम्हारी तरह बन नहीं सकती। Just avoid her. It's a psychological problem. उस मोटी को भूल जाओ। Let's have some fun. हमें कोई नहीं देख रहा है। Come on. Hello, Om. I've done it. She hates me. वो मुझसे नफरत करती है. Yes, man. I'll see you then. Okay, bye. Yes, please. Yeah, sure. Excuse me. ये मेरा नहीं है. मगर ये बैग तो आपका है. हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है. और ये फटा हुआ भी है. मगर वो Now this is too much, Miss Tia. हमने आपके चैनल को यहाँ शॉपिंग करने के लिए दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप चोरी करें। चोरी? ऐसे लोग जो औरतों के कपड़े चुराते हैं। They all have dirty minds. ऐसे लोगों को तो हवालात में बंद कर देना चाहिए। Left, सिर्फ नाइटी लिए कि कुछ और भी लिया है? हाँ? नहीं, वो कुछ लोगों को अजीब-अजीब आदतें होती हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। I'm not like that, Tony. Okay. This is too much. You'll have to pay for this. Yeah. You know, Diya, he's a real KPN, KPN. KPN, KPN? Aray, kahin pe nigahein, kahin pe nishana. Oh my God. No, Diya, I'm not like that. No, Diya. Okay, please. Diya. Tony, samjhana. Dude, Tony. Aray, tu meri baat, Tony. Aray. Kya hai, ya? Kaise rahi? Hey, very funny. Shaitan dil, shaitani pe hai tula. Lahol bila. Tu kham kha. अब ऐसे ना मुँह फुला मौसम ने उकसाया तो दिल से उबल आया मस्ती का बुलबुला लाहौल बिला ना समझी ना कर तू ना हद से गुजर तू ना समझी ना कर तू ना हद से गुजर तू ओए तौबा ये कैसा मुझे हम सफर है मिला लाहौल बिला शैतान दिल शैतानी पे है तुला बदमाशी से तेरी तंग आ गई हूँ मैं दो ही दिनों में कसम से तेरी हरकतों से घबरा गई हूँ मैं दो ही दिनों में है लड़का अजब तू ना अब बेसबब तू मुझे देख कर खिलखिला लाहौल बिला लाहौल बिला लाहौल
शैतान दिल शैतानी पे है तुला। की तरह नादान तू भी है, सोचा यही था शरारत से इस तरह अनजान तू भी है, सोचा यही था क्यों जिद पे अड़ी है, बड़ी नकचड़ी है, ना कर और शिकवा गिला, लाहौल विला शैतान दे शैतानी पे है तुला, लाहौल विला तू खाम खा अब ऐसे ना मुँह फुला, मौसम ने उकसाया तो दिल से उबल आया मस्ती का बुलबुला, सिद्धांत और ऋतु तो कैसा रहा तुम्हारा, मुझसे दोस्ती करोगे राउंड? सच बताऊं, 7 दिन एक ही लड़की के साथ डेट पर जाना, इट वाज बोरिंग। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स डिसगस्टिंग। अरे यार, तुम दोनों तो शादीशुदा कपल की तरह बात करने लगे हो। तुम दोनों से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे एक दूसरे के बारे में, अगर जवाब सही दिया तो ही तुम अगला राउंड खेल सकते हो, वरना यू आर बोथ आउट। दोनों को मिलेंगे 1 मिनट एंड नो ऑडियंस फोन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत, रुतु शॉपिंग मॉल में कौन से फ्लोर पर उतरी थी? थर्ड फ्लोर, राइट? यस। रुतु, फुटबॉल फील्ड में सिद्धांत ने जो शर्ट पहनी थी उस पे क्या लिखा था? कम ऑन। कुछ नहीं। करेक्ट। गुड। सिद्धांत, रुतु शॉपिंग करने के वक्त क्या पहनकर आई थी? ऊपर या नीचे? ऊपर और नीचे। यू हार्डली हैव टाइम, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। व्हाइट टॉप एंड स्कर्ट, राइट? रुतु, सिद्धांत ने रेस्टोरेंट में कौन सा कोल्ड ड्रिंक पिया था? कम ऑन। रेस्टोरेंट में कोक। गुड। सिद्धांत, तुम्हारा आखिरी सवाल, रेस्टोरेंट में रुतु के जूते की हील कितनी ऊंची थी? मुश्किल है बताना, इसने तक जूते नहीं खाए। वेरी फनी। नो, 2 इंच। आर यू गेसिंग? यस आई एम। एंड यू आर राइट। यस। तुम्हारे तीनों जवाब सही है। रुतु, अब तुम्हारा आखिरी सवाल। सिद्धांत, रुतु को अपना हाथ मत दिखाना। रुतु, सिद्धांत की घड़ी का रंग क्या है? घड़ी? हरी आप, यू डोंट हैव टाइम। कम ऑन रुतु, कम ऑन। ऑरेंज। ए, डोंट मूव। नो, यू हैव नो टाइम लेफ्ट। इज इट रेड? कम ऑन, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, अगर तुमने इसका सही जवाब नहीं दिया तो तुम दोनों इस खेल से बाहर हो जाओगे। ग्रीन। 10 seconds. 9. येलो? इज इट येलो? 7. 6. Are you asking me? No, I'm telling you, it's blue. Is she right? And you're right! Yeah!
सारा काम तो हो गया भाई। ये तेरा घर, ये मेरा घर, हमारा दूसरा राउंड जिसमें आप दोनों को एक दूसरे के घर तीन तीन दिन रहना है। यस ओ नो। हाय सिद्धांत। ये क्या है? यार्क्स। क्या हुआ? यार तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। What the hell is this? हाय सिद्धांत। हाय रितु। ये है मेरी दादी। हाय दादी। हेलो आंटी। हाय सिद्धांत। आप लोग दो मिनट बैठो, मैं अभी आई। जी। Clear this mess. Clear this mess. दादी, आपका घर तो काफी खूबसूरत है। It's really cool, हाँ? रोहित। रितु, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। ये बिल्कुल बेवकूफ है। इतनी गर्मी में बोलता है, कूल है। दादी, आपका घर भी कूल है एंड यू आर कूल टू। रितु जो कहती है उसे छोड़िए दादी। रोहित, इधर आओ। ये मेरा भाई है रोहित। हाय रोहित। लगता है हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। ओके सिद्धांत, हम तीन दिन बाद मिलेंगे। अब हम निकलते हैं दादी। अरे नहीं, खाए बिना कैसे जा सकते हैं आप लोग? क्यों दादी, आज दोपहर को आप कौन से होटल में खाना खाने गई थी? Stop it, Tony. Don't be so rude. अरे यार, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। मर गए। ये कौन है? रितु के डैड। Shit. Why? You got a problem? I've got a big problem, dude. तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हारे बाप को। What? तुम्हारे घर में बाथरूम है? नहीं, हमारे घर में बाथरूम बिल्कुल नहीं। I'm sorry, shit. मैं क्या? तुम्हारे बाथरूम कहाँ है घर में, बताओ ना? अभी तो सब ठीक था, suddenly क्या हो गया? Just tell me where the loo is. अरे जाने दे इसे, नहीं तो यही कर देगा। वहाँ है वहाँ। Thank you. मेरा पेट, मैं आ गया बुड्ढा। ये क्या है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, उसे बहुत जोरों की लगी थी। Oh hell, oh my god. ओम, कम ऑन, पिक अप द फोन। मर गया क्या? यार फंस गया मैं, अटक गया यार। इस शो का आइडिया तुम दोनों का था? अबे गधे, बोल रहा हूँ मैं उस बुढ़े के घर में हूँ, उस बुढ़े के घर में जिसे जिसे हमने अछूत कन्या दी थी। क्या बात कर रहा है यार, हमने ये काम भी किया था? हाँ, हमने किसे कन्या सप्लाई की थी? वो अछूत कन्या, अछूत, वो बीसीडी लाइब्रेरी जुहू। ओ वो अंकल। हाँ वो अंकल। अबे अगर उस अंकल ने मुझे पहचान लिया ना तो गए भांजे के 10 करोड़ रुपए। मर गए यार, आसमान से गिरे अंगूर मटके। खजूर, खजूर। अरे खजूर खिलाने से क्या होगा, तू उसे ना टिक 20 खिला दे, सॉलिड पॉइजन होता उसमें। अबे तू क्या बक रहा है यार, अबे बोल मैं क्या करूं। हेलो, तू है या मर गया? अबे सोचने देना यार, तू क्या समझता है ये कौन बनेगा करोड़पति का फोन है फ्रेंड राउंड है कि एक मिनट में सोच के बता दूं? अबे तू बोल या तू फोन रख। हेलो, हेलो, रख दिया। उल्लू के पट्टे तेरी तो मैं वोट लगा दूंगा। लगता है कोई गड़बड़ है, मैं देख रहा हूँ। अरे अटक गया होगा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? कुत्ता। मैं देख क्या तू? रोहित कम यहाँ। क्या समझता वो बुढ़ा अपने आप को, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्धू, सिद्धू दरवाजा खोल और दिखा दे सबको। देख लूंगा सबको। अरे ये तो यही बैठा है। अबे भाग सिद्धू, भाग। ए कहां जा रहे हो सिद्धू? सो फनी। मेरे ख्याल से इसबगोल सबसे अच्छा रहेगा। दादी, इसबगोल नहीं, खाना गोल। अरे रितु, I'm hungry यार। सिद्धांत, मेरे ख्याल से आज रात को तुम यही खा लो, कल जब तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा जो मर्जी आए खा लेना। ओके? पेट? मेरे पेट को क्या हुआ है? क्या सब तो ठीक है? नहीं, तो बाथरूम में ऐसे ही चिल्ला रहा था क्या? दादी वो तो मैं ऐसे ही दादी चिल्ला रहा था। तो ऐसे ही खाना होगा। तुम्हें कहीं देखा है? मुझे? Oh, really? अक्सर लड़कियां भी मुझसे यही कहती है, you know, जान पहचान बढ़ाने के लिए। नो नो, मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। Never. हम कहां मिल सकते हैं अंकल? मैं कहीं आता जाता नहीं, डांस बार, बियर बार, नाइट क्लब, डिस्को, कहीं नहीं जाता मैं। I swear, नहीं, वहां मैं भी नहीं जाता हूँ। क्या
आप नहीं जाते अंकल? अगर उसके अलावा हम किसी थिएटर, कैंटीन, शॉप, दुकान, रेस्टोरेंट, सलून, टैक्सी, ट्रेन, बस, प्लेन, कैसीनो, वीडियो पार्लर में भी नहीं मिले अंकल। रिलैक्स, वैसे आनंद की याददाश्त बहुत कमजोर है, कल मैं भी कहीं दिख जाऊँ ना तो मुझे भी नहीं पहचानेंगे, सो रिलैक्स। तुम तो कुछ भी बोलती हो। दादी दादी आप ही बताइए, क्या आपने मुझे कहीं देखा है? हाँ। क्या? टीवी पर आपने भी मुझे टीवी पर ही देखा होगा। हाँ आनंद। नो, उससे पहले बाबा खाना खा लो ना, ठंडा हो रहा है, बाद में सोचेंगे कि आप दोनों कहाँ मिले। टीवी पर नहीं माँ, सोचने दो। अरे बाद में सोचो, सलेले जो दिया हो। एक मिनट रुको ना। बाबा कहने रात भर सोचते रहेंगे। सिद्धांत तुम ही बता दो कहाँ मिले थे। हाउ डू आई नो। सोचो, तुम तो सोचो, जवान हो। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे सब कुछ याद रहता था, मैं दिन में चार चार बादाम खाती थी। तुम रुको ना, इसे बोलने दो, तुम बोलो। उसे केला तो खा लेने दो, बेचारा खाना भी नहीं खा सकता। नहीं नहीं मत सोचो, तुम खाओ, खा लो सिद्धांत। नहीं पहले सोचो, तुम सोचो, बोलो बोलो बोलो। अरे मेरी बात तो सुनो, जब मैं छोटा था तब भी तुम सब कुछ भूल जाता था। तुमने भी बचपन की कहानी शुरू कर दी। रोहित क्या हुआ? रोहित क्या हुआ? गिर गया यार, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी ले। ठंडा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। तुम लड़के लोग कुछ नहीं कर सकते, घर में हर चीज माँ करती होगी, है ना? नहीं, माँ नहीं है। I'm so sorry. Divorced? No. वो गुजर गई। She's dead. मुझे मालूम नहीं था, वो क्या है आजकल इतने तलाक हो रहे हैं कि सॉरी। डैड और मैं, अब तो आदत सी हो गई है। अच्छा सिद्धांत एक बात बताओ, तुम्हें जो इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं उनका तुम करोगे क्या? डैड, अपने डैड को दे दूंगा। बहुत प्यार करते हो ना उनसे? हाँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया, ना ही उन्होंने कभी मुझसे कहा। शायद हम कहने से डरते हैं, शायद हम बात करने से भी डरते हैं। कहीं उस औरत का जिक्र ना हो जाए जिसे हम दोनों ने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा और खो दिया। गुड नाइट बच्चे। ये लो खिलाओ इन्हें। थैंक्स। आओ आओ, खाओ खाओ। क्या कर रहे हो? डॉग बिस्किट्स हैं। तो क्या, वो काफी टेस्टी हैं। तुम हमेशा इस डॉग होम में आती हो? हाँ। तो फिर यहाँ से भागी क्यों थी? तुम्हारी उम्र में थोड़ा सा भी सेंस होता ना तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा होता। सुनो, वो जो मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी का गाना था जो भेस बदल कर आती है, तुम्हें याद है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। गाना सोचो सोचो। हाँ सोच के बताना मुझे। गाना बहराम भाई से बात हुई? हाँ, वो 10 तारीख को आने वाला है। हवा
हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, ओए अबे तेरे क्या क्या, अरे छोड़ अबे छोड़ छोड़ अबे लड़के क्या कर रहे हैं, अरे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, वो गैम्बो खुश हुआ। अरे रोहित, कोई एक चैनल देखो ना, रिमोट खराब हो जाएगा। ए चश्मेश, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या देख रहा है तब से? जा पढ़ाई कर, गो। कभी आप सब लोग घर आइए ना, ताश वाश खेलेंगे, क्या कहते हो आनंद जी? छोड़ो। श्योर, व्हाई नॉट? मैं भी आनंद से यही कह रही थी, है ना आनंद? हाँ हाँ। अरे सिद्धांत इधर आओ। आशुतोष, दिस इज सिद्धांत। सिद्धांत रुतुस फियांसे एंड हिज डैड। हाय अंकल। हाय। हाय डूड, नाइस टू मीट यू। सिद्धांत तुम चाय लो ना। या श्योर। अरे सुमन, इसे मत देना, नहीं तो फिर ये बाथरूम में चिल्लाएगा। चिल्लाएगा क्यों? अरे बाथरूम में अटक जाएगा तो चिल्लाएगा, नहीं तो और क्या करेगा? अटक जाएगा? क्या अटक जाएगा? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हम गेम शो के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। आप ये खाओ। शुगर? दो चम्मच। दो चम्मच? दो चम्मच शुगर का मतलब होता है दो चम्मच जहर। आशुतोष को ऐसी चीजों की बहुत नॉलेज है। रियली? या रियली, इट्स एब्सोल्यूट पॉइजन, टोटल जहर। मैं मर रहा हूँ। दादी मुझे बचाओ। सिद्धांत क्या हुआ? मैं मर रहा हूँ, बचाओ, मैं मर रहा हूँ। अब जोकिंग, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। क्या काम करते हो तुम? फिलहाल कुछ नहीं, और 10 करोड़ मिल जाने के बाद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आशुतोष ने जब यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो उसी दिन से उसने जॉब करने का फैसला कर लिया था। वो एक दिन भी बेकार नहीं बैठ सकता। ऐसे ही तरक्की होती है। क्या उम्र है तुम्हारी? 25। ओ गॉड, तुम तो बहुत बड़े हो। इस उम्र में आशुतोष पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करता था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ हिम। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। यू मस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। अंकल, सिद्धांत की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पर बाप तो है ना। यू मस्ट मेक हिम प्राउड ऑफ यू। लुक एट आशुतोष, लुक एट हिम। ये अच्छी तरह जानता है कि बाप का नाम किस तरह रोशन किया जाए। बेटा हो तो ऐसा। Actually, I'm proud of my father. Are you? Siddhant, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल का दामाद पाया आपने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर बाप को अपना बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा लगता है। हर बाप को? तुम्हारे डैड को भी लगता होगा, लेकिन तुमसे कह नहीं पाते होंगे, जिस तरह तुम उनसे कह नहीं पाते कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो, राइट? नहीं पता। ये बताओ कि रोज सुबह क्या होता है? सूरज निकलता है। और हर शाम को क्या होता है? ओम बियर बार जाता है। उस सुबह और शाम के बीच में बहुत सारे पल होते हैं, और हर एक पल में से अपनी खुशी के लम्हे चुराने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है। मतलब? सुना सबको, हंसा लो, खुशी के लम्हों को चुरा लो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। इरादा वही है, आप भी सही है, पर क्या करूं मैं,
मूड ही नहीं है। अच्छा मूड बना लो बेटे, मूड भी बना लो। ओए फिजूल की उन बातों को भुला दो। What? हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। अब तो अकेला और हूँ नहीं मैं, गाने लगा हूँ गीत यही मैं। हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। हंसो ना सबको हंसा लो, खुशी के लम्हों को चुरा लो। हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। कभी देखी नहीं है मैंने, कैसे कहूँ कैसे बताऊँ कैसे। अरमानों के सपने सजे खुद को रखना काबू में हुआ है मुश्किल, देखना मंजिल भी करूँगा हासिल। आप सब हो इसकी वजह, आज लगा कि दुनिया हंसी है, चारों तरफ ही खुशी है। हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। हंसो ना सबको हंसा लो, खुशी के लम्हों को चुरा लो। हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। इरादा वो भी है आप भी सही है, पर क्या करूं मैं मूड ही नहीं है। तो बना लो मूड भी बना लो, फिजूल की इन बातों को भुला दो। हंसते रहो हंसाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो हंसाते रहो। हे रोहित मैं जा रहा हूं, कैन वी बी फ्रेंड्स नाउ? ठीक है यार, मानो मैं तुझे बहुत खुशी हो रही है। सो We are friends now. चलो जल्दी करो। हाँ, 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 मैं आ रहा हूँ। ओके अंकल बाय। सिद्धांत मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, आई होप यू लाइक इट। हे थैंक्स अंकल, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। इट्स ऑल राइट, टेक केयर। और हाँ, अगर तुम्हें याद आए कि हम कहाँ मिले थे तो मुझे जरूर फोन करना। जरूर करूंगा जरूर करूंगा अंकल। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ गधे का बच्चा। कितने छोटे कपड़े दादी। सिद्धांत वो कल मैंने तुम्हें मारा, सॉरी। हे टोनी, रुतु के बदले क्या दादी मेरे घर आ सकती है? मैं जाके अपना बैग पैक करूं। दादी हे यू टू नो सच लक ओके बाय दादी। चलो भाई चलो।
आई लव यू. ओके जी, नमस्ते. नमस्ते रुतु. लंबे फ्रॉक पहनना, समझी? बाय आंटी. बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे. झूठ कैसे बोलूं? इस गेम शो के बाद 20 साल तक मैं आप में से किसी को नहीं मिलूंगा. हंसते रहो, हंसाते रहो. सिद्धांत है ना, वो तो 3 दिनों से घर ही नहीं आया. क्या? और ये बात तू मुझे आज बता रहा है? आ जाएगा पाजी. जाएगा कितने? अरे टोनी और दिया अभी चले गए. हाय, प्लीज आई. अच्छा मैं अपना ख्याल रखूंगी. अच्छा कोई खोली ना ही आई, बड़ा सा घर है. ए, बंगला है, बंगला. ठीक है आई. आइए 3 दिन के लिए और लेके आइए 3 महीने का सामान. वो सोएगी कहाँ? यहाँ मेरे कमरे में. और तुम? मैं बाहर सो जाऊंगा. बाहर? ठीक है, उससे कहना बेडरूम का दरवाजा लॉक करके सोए. कमाल है, मेरे बाप को भी मुझ पर भरोसा नहीं है. हाँ आई, मैं फोन करती रहूंगी. अच्छा ठीक है, चलो. यहाँ वेट क्या कर रही हो? वो माँ पूछ रही थी कि मैं कहाँ सोऊंगी. मेरे रूम में. व्हाट? मैं बाहर सो जाऊंगा. आ गई क्या? हाँ आ गई. सोएगी कहाँ? मेरी गोद में. गोद में? गए 10 करोड़ यार. आप मेरे बिस्तर पे सो रही हैं. Don't act funny, okay? तुम अभी इसी बिस्तर में थे, इसी चादर के नीचे और आधे नंगे. क्या? हाँ, I mean. बाहर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर आ गया और उल्टा तुम मुझ पर चिल्ला रही हो. ठीक है ठीक है. क्या ठीक है? ठीक है. Now do you mind? No, I don't. मुझे टॉयलेट जाना है. मैं ले चलूँ? चलो 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 ना. Get out. हाँ हाँ. ओए तेरी. Oh, oh, oh shit. क्या करूं? जल्दी चलो, डैड तुम्हारे लिए नाश्ते पे वेट कर रहे. ब्रश तो लेने दो. अरे उंगली से काट लेना. चलो. What is wrong with you? Nothing is wrong with me. चलो. कोई है वहाँ? नहीं कोई नहीं, नहीं कोई नहीं. मर गए. ये कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग एक साथ स्कूल में थे. स्कूल में? ये तुम्हारे डैड की उम्र के हैं? वो 10 बार फेल हो चुका है. तो उन्हें अंदर ले लो. अरे लेता हूँ लेता हूँ. तुम जाओ ना, डैड तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार करे. जाओ ना प्लीज. कुछ कह रहे हैं? मैं बिना सुने उसकी बात समझ सकता हूँ. वो कह रहा है कि मैं उसकी शादी में नहीं आया था ना, इसलिए वो नाराज है. इस उम्र में शादी? अरे 3 दिन से कहा था तू? तीसरी शादी है ना. दरवाजा खोल नहीं तो मैं. ओ! वो अंदर आ रहे हैं. ओ! अरे ओ! I'm sorry, uncle, I'm sorry. अबे छोड़. नाश्ता वाश्ता करना है तो कम ज्वाइन. श्योर अंकल. क्योंकि वो तुम्हारी शादी में नहीं आया, तुम उसे ऐसे पीटोगे? ओए ए कुड़ी की कह रही है, कहता ब्याह कहती शादी. ओए कल तक तो तुम्हारे दोस्त इस घर में आया करते थे, अब गुंडे बदमाश भी आने लगे हैं. वो इसीलिए वो पैसे चाहिए तुम्हें. हाँ. मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड को सब कुछ बता देना चाहिए. यू वॉन्ट टू किल हिम? मैं डैड की नजरों में बहुत छोटा हूं. अगर और छोटा हो गया तो मर जाएंगे. Thank you.
क्या रहा है? आजा वरना ये हमारी टीम के भजिया उड़ा देंगे। What? धजिया, धजिया उड़ा देंगे। अबे आना, कितना भाव खा रहा है यार। सॉरी। मैच खत्म होने के बाद बैटिंग करेगा क्या? वो बुला रहा है तो व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले। जब मैंने बुलाया तो नहीं आया, लड़की ने बोला तो फट से आ गया। लड़की के पास क्या जो मेरे पास नहीं है? तू उसे प्यार करने लगा है ना? हाँ। पैसे चाहिए ना? अगर नहीं चाहिए होते तो? सॉरी यार, आई एम सॉरी। ये ओम और मैं, बचपन में तब से उसे गलत मुहावरों की आदत है। तुम हो? नो डैड। या रुतु अंकल, सिद्धांत कहता है कि आप हैं, सच या झूठ? वेरी स्वीट, वाओ, शी इज वेरी प्रिटी। आप दोनों कैसे मिले? आई एम सॉरी। स्कूल में मिले थे हम पहली बार। मेरे पीछे वाले बेंच पे बैठा करती थी वो। एग्जाम्स में चीटिंग करना आसान होता था। फिर उसके बाद कॉलेज में वक्त के साथ साथ एक दूसरे की आदत सी हो गई। ये वक्त भी कितना अजीब है, अकेले हो तो कटता ही नहीं और कोई साथ हो पता नहीं कितनी जल्दी गुजर जाता है। तस्वीरों में तो हमेशा खुशी के पल ही नजर आते हैं, लेकिन एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर तक पहुंचने में बहुत कुछ खो जाता है। मैं जानता हूं मैंने खोया है। ओके, आउट, गो आउट यू टू। सिद्धांत, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मानूंगा। जब दो इंसानों को एक दूसरे की आदत हो जाती है और एक चला जाता है तो दूसरा कितना अकेला हो जाता है। अच्छा हो गया अगर दूसरा भी चला जाए। ये गेम शो खत्म होने के बाद जब हम 20 साल तक नहीं मिल पाएंगे तो हम भी एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे, है ना? सच बताऊं, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। So why were you jealous of Ashutosh that day? Jealous? हाँ, उस दिन मेरे घर में तुम उठ के चले क्यों गए?
क्योंकि मुझे लगता है मैं उसकी तरह नहीं हूं। वो हर काम सही तरह से करता है, मैं नहीं। पर तुम उसकी तरह क्यों बनना चाहते हो? तुम हो, तुम आशुतोष होते तो क्या होता? अगर मैं आशुतोष होता तो मैं उसकी जगह होता। मेरे पास वो सब कुछ होता जो आज आशुतोष के पास है। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है ना? हाँ, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है सिद्धांत, बहुत बड़ी चीज। और अगर आज हम साथ हैं तो इसी पैसे के लिए। मुझे ये गेम शो जीतना है सिद्धांत, मैं ये गेम शो किसी भी कीमत पर जीतना चाहती हूँ। आशुतोष सिद्धांत, ये मजाक का वक्त नहीं है। हाय, प्लीज। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, न्यू ऑर्लिन से मेरे लिए एक लेटर आया है, मुझे नौकरी मिल गई। मॉम और डैड ने तो मुझे अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर जाना है तो हमारी शादी होने के बाद, और तारीख भी तय हो गई है, आज से ठीक 21 दिन बाद। रितु, हे रितु। हाय सिद्धांत, आई एम सॉरी, मैं बाद में मिलती हूँ, आई एम गेटिंग रियली लेट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी नहीं सिद्धांत, प्लीज, मैं बाद में बात करूँ। रितु मेरी बात सुनो। रितु, यू हैव टू स्पीक टू मी। रितु मेरी बात तो सुनो। रितु, ये अपने पंटर है, इनको बोला थोड़ा जगह का साफ सफाई करो। तुम लोग भी तो अखा जगह के ऊपर कब्जा करके बैठे लेना, एक रुपया ना भाड़े का ना डिपॉजिट का, क्या है ना आपा, जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैंने कहा था कि मैं 1 करोड़ आपको ला कर दूंगी, और आपने वादा भी किया था कि 1 करोड़ देने पर आप इस जगह बेचने को तैयार हो जाएंगे। किस जमाने की बात कर रहे हैं आपा आप, है? ये जगह का 1 करोड़ रुपया, आजकल आपको प्रॉपर्टी का मालूम है कितना वैल्यू बढ़ गया है? ये जगह पे टावर बनेगा। नहीं 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 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, एकदम फिक्स रेट। क्या भाई, 10 करोड़ मिलने वाला है ना मैडम को? ठीक है, 1 महीने में मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगी, लेकिन आज के बाद ना तुम और ना तुम्हारा कोई आदमी यहाँ पर आएगा। ठीक है, जवान दिया, अपने लाइन में जवान का कीमत होता है। लेकिन आपा, 1 महीना बोले तो 1 महीना, क्योंकि 1 महीने के बाद ये जगह खाली करने से बहराम भाई को कोई नहीं रोक सकता। जब वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे तो ये उन पर झपट पड़ा, तो उन लोगों ने इसे भी। देखा सिद्धांत, मैंने कहा था ना पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार आंटी ने सोचा भी कि इन्हें दूसरों के हवाले करके ये जगह खाली कर दें, लेकिन तुम्हें पता है जो हेल्दी हैं, अच्छी नस्ल के हैं, उन्हें तो हर कोई ले जाएगा, लेकिन जो बीमार हैं, कमजोर हैं, वो संतोष,
किसी गाड़ी ने उसका पैर कुचल दिया, तो मैं उसे यहाँ ले आई और उसे दोबारा उसी सड़क पर छोड़ना पड़ेगा। अब तो वो गाड़ी देखकर भाग भी नहीं सकता। अगर ये बेघर हो गए ना सिद्धांत, तो ये मर जाएंगे और मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। ये गेम शो मैं सिर्फ इसीलिए खेल रही हूँ और इसीलिए मुझे वो 10 करोड़ रुपए जीतने हैं। तुम जीतोगी रितु, तुम जरूर जीतोगी। वो 2 करोड़ रुपए उन जानवरों को देना चाहती है, वो पागल है क्या? ऐसी है वो, और अच्छा है कि वो ऐसी है। हाँ अच्छा तो है। And you're watching the mega show Humdum, the game of love and money. Rrutu और सिद्धांत, सिद्धांत और रुतु, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों बहुत आसानी से तीसरे राउंड तक पहुंच गए? सिद्धांत, तीसरे राउंड में जाने से पहले मुझे रुतु के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बताओ। अच्छी बात बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, यू नो 10-20 साल। नहीं मगर बुरी बात मैं अभी बता सकता हूँ। रुतु ये तो शुरू हो गया। बुरी बात ये है कि रुतु अपने आप को बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत समझती है। और अच्छी बात ये है कि वो है स्मार्ट, इंटेलिजेंट और थोड़ी सी खूबसूरत भी। अब तुम मुझे इसके बारे में एक बुरी बात बता ही दो। His attitude, बातें, हरकतें, आप पहली मुलाकात में समझ जाते हो कि ये कितना बदतमीज, सरहरा और सेल्फिश इंसान है। यार मैंने तो एक बात पूछी थी, तुमने 10 गिना दी, अब इसके बारे में एक अच्छी बात भी बता दो। अच्छी बात ये है कि जब सिद्धांत के साथ रहो तो पता चलता है कि आप कितने गलत हो। जैसा ये दिखाता है वैसा वो है नहीं। हम साथ साथ हैं, यही है हमारे तीसरे राउंड का नाम। एक अनजाने शहर के एक 5-स्टार होटल में एक पूरा हफ्ता एक दूसरे के साथ, और वो भी अकेले। कौन सी होटल में ठहरेंगे कुछ पता है? वो तो मेरा मतलब है कमरे तो अलग अलग होंगे ना। रोहित अंदर जाओ, वो चैनल की टीम भी जा रही है उनके साथ। लेकिन एक लड़के के साथ 7 दिनों के लिए, वो भी एक ही होटल में। मैंने भी यही कहा कि एक हफ्ते तक होटल में रहना अच्छी बात नहीं है, होटल का खाना कितना खराब होता है। राइट दादी। बात होटल के खाने की नहीं है, अगले महीने शादी है और वह किसी लड़के के साथ, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा। मॉम मैं मिल चुका हूँ उससे, अच्छा लड़का है वो, और फिर हमसे ज्यादा तो ये लोग उसके बारे में जानते हैं। सिद्धांत से ज्यादा हम अपनी लड़की को जानते हैं, वह खुद बहुत समझदार है। ये भी ठीक है, व्हाट डू यू थिंक डैड? मॉम मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं अभी रुतु पर भरोसा नहीं कर सका तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा, और फिर ऐसी लड़की से शादी करने का मतलब ही क्या है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वाह क्या बात कही है, ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ हिम। यू नो आशुतोष ने जब यूनिवर्सिटी में टॉप किया ना, तो मुझे इतना प्राउड फील नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। अब जिसे शादी करनी है उसे ही कोई एतराज नहीं है, तो फिर यही तो मैं कब से सोच रही हूँ कि जब सिद्धांत कोई इतराज नहीं है तो हम इतनी बड़ी पंचायत लगा कर क्यों बैठे हैं? माँ सिद्धांत नहीं,
रुतु की शादी आशुतोष से हो रही है। अच्छा, तो रुतु आशुतोष से भी शादी कर रही है? माँ, रुतु की शादी आशुतोष से हो रही है ना, आशुतोष। ओ दादी, ये वहां लगेगा तो सही बनेगा। वही तो। Thank you. Sidhant, hi. Hi. Please मेरा एक काम कर दोगे? क्या है? Please ये बैग रूम तक पहुंचा दो, बहुत भारी है। Yeah, sure. Thank you. Sidhant, अरे यार मुझे कुछ फॉर्म्स भरने हैं, जरा प्लीज ये बैग मेरे रूम तक पहुंचा दो ना यार। हाँ, ओके। हाँ, थैंक्स यार। हाँ, तुम भी दे दो, ले लेता हूँ तुम्हारा भी। Place, तुम दोनों के कमरे आमने सामने हैं, ओके? सॉरी सॉरी। सिद्धांत का कमरा ये वाला है और तुम्हारा कमरा वो सामने है, और हम दोनों के कमरे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, ताकि तुम्हें भी डिस्टर्ब ना हो और हमें भी। चले। गिर गया, कोई बात नहीं। ये और तुम, ओके। तो मैं चलता हूँ, ओके? चलो, ओके। सुनो केपियन, केपियन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, भूल गए? ओ, पर हमारे कमरे तो अलग है ना। ओ यार, कमरे तो अलग अलग है। क्या हुआ दिया? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? रुतु, लगता है तीनों पागल हो गए। वाओ। हाय। क्या है? तुम्हारा कमरा पास वाला है? पता है। तो यू नो, मुझे हैरत है कि आशुतोष ने तुम्हें परमिशन कैसे दे दी। उसे कोई एतराज नहीं है? मतलब वो सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करेगा? क्या सब कुछ जानने के बाद? वही जो हम दोनों के बीच होने वाला है। हम दोनों के बीच क्या होने वाला है? वही जो आशुतोष और तुम्हारे बीच होने वाला है। मेरे और आशुतोष के बीच क्या होने वाला है? अरे वही जो शादी के बाद आशुतोष और तुम्हारे बीच होने वाला है। What? Hey, what's this? Investigative reporting. मैंने दोनों के कमरे में माइक्रोफोन छिपाए हैं, उन दोनों की बातें हम सुन सकते हैं, सुनो। टोनी, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या सुना तुमने टोनी, बोलो ना। Is everything all right? Yeah. Are you sure? Yeah. Is everything okay? Yeah, everything's all right. हमने कुछ नहीं सुना। Huh? I mean, हमने कुछ नहीं देखा। Huh? I mean, bye. अरे चलो यार। हाँ तो मिस्टर, क्या कह रहे थे आप? मेरे और आशुतोष के बीच शादी के बाद क्या होने वाला है? सिर्फ डिनर। हाँ? आशुतोष के साथ तुम डिनर करती रहना, क्या मेरे साथ एक बार लंच पे चलोगी? प्लीज एक बार लंच पे, प्लीज। नो। व्हाट? ब्यूटीफुल। थैंक्स। मैं तुम्हारी नहीं उसकी बात कर रहा था। कम ऑन रुतु, एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, सो आर यू। सिद्धांत, जानते हो वो क्या है?
फॉर्चून कुकीज। चाइनीज लोगों की ये एक खासियत है कि खाने के बाद वो हर किसी को एक कुकी देते हैं और हर कुकी में एक छोटे से पेपर पे कुछ लिखा होता है जो आपका फ्यूचर बताता है। इंटरेस्टिंग। और लोग उस पर यकीन भी करते हैं कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। रुतु, मैं एक मिनट में आया, एक जरूरी काम है। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है जो यहाँ नहीं हो सकता? अरे शिट। नहीं, वो बाद में, ओके? शिट। ओह, एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरे लिए काम कर सकती हैं प्लीज? यस। मैम, इस पेपर को उस लड़की के फॉर्चून कुकी में डाल दीजिए। ओके, व्हाट्स रिटन हियर? इसमें लिखा है किस द बॉय इन व्हाइट एंड ब्लू शर्ट। Okay. Thank you. Juma, juma de de. The food was good, huh? Mm. I love Chinese. Ah. Here we go. Thank you. Welcome. Thanks. Welcome. okay. Welcome. यहाँ बहुत भीड़ है ना? I think you need to pay her. No, you eat cookie. Cookie खाओ। लगता है हमें अपनी cookies खा लेनी चाहिए। क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो ना। 10 दिन बाद तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। Hey, that's right. तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओगी। अच्छा, तुम अपना पढ़ो। तुम मेरा भी खा लो, I'm full. You eat cookie. धातु. निमंत्रित हो सामा. चिंचे. You eat cookie. But I'm not hungry. रुतु, खा लो ना. क्यों किसी का दिल दुखा रही हो? ये यहाँ वेट्रेस है, ये मुझे कैसे ऑर्डर दे सकती है? I'm not waitress, I'm owner. Eat cookie. She's mad. Forget it. Eat cookie. इतना जिद मत करो. बेशक इसे खाओ मत, लेकिन खोल तो लो. This is too much. Beware, somebody is trying to fool you. हाँ? कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं नहीं, नहीं, ये सब बकवास है। It's all बकवास, I'm telling you. लेकिन अगर ये यहाँ है, तो फिर वो कहाँ है? Hey, my God, this is the boy in the white and blue shirt. No! Oh my God! Oh God! Yeah. Kiss the boy in white and blue shirt, huh? That is too much, huh? Just too much. मजा आया ना? Serves you right. तुम्हें किस करके उसकी किस्मत तो खुल गई, तुम्हारी किस्मत भी खुल गई सिद्धांत। हंस लो। जब ऐसी मुसीबत तुम पर आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम किसी मुसीबत से कम हो गया। मुसीबत? मैं मुसीबत हूँ? और नहीं तो क्या? इतने हफ्तों से तुम्हें झेल रही हूँ, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा। आपने किसी लड़की को देखा है पिंक ड्रेस में? नहीं। शिट। छोड़ो मुझे।
मजाक की एक लिमिट होती है, क्या समझते तुम अपने आप को? हाँ, भेस बदल कर क्या मुझे डरा लोगे क्या तुम? उतारो अपना ये मास्क, उतारो उतारो। I'm sorry, I didn't. देखो आज मेरी छुट्टी का दिन है और अगर तुम चाहती हो तो एक घंटे का $10, एक रात का $20 और तीन रात का $100। क्या 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 तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे लगा तुम चाहती हो और ये तो मेरा प्राइस लिस्ट है। बहुत महंगा है ये, इससे सस्ता तो मैं हूँ। चले जी, गॉड अश्मी, प्लीज गो फ्रॉम हियर, प्लीज गो। व्हाट प्लीज? मेरी पूरी छुट्टी खराब कर दी। छुट्टी? अरे धंधे वाले की कोई इज्जत होती है? पगली कहीं की? पगली कहीं की? पगली कहीं की? तुम समझते क्यों अपने आप को? जब चाहे हंसा सकते हो, जब चाहे रुला सकते हो। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरे इमोशन की कोई परवाह नहीं है ना तुम्हें? सब मजाक है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था? 2 मिनट मेरे बगैर रह नहीं सकती, 20 साल क्या रहोगी? सिद्धांत, फिर चलते जा रहे हो। सिद्धांत मेरी बात तो सुनो, यू सो इरिस्पॉन्सिबल, मेरी बात सुनो तो सही। आई एम सॉरी सिद्धांत। ओह गॉड, अबे यही है वो जिसने मेरा आज का धंधा चौपट किया, यही है वो। और ये आंखें क्या फाड़ता है, कभी कान के नीचे पड़ी क्या? सिद्धांत क्या करें? तुम्हें क्या लगता है मैं अमिताभ बच्चन हूं जिन सबको मारूंगा? हा? भागो, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अगर तुम्हें सचमुच मेरे लिए लड़ना पड़ता तो क्या तुम लड़ते? हाँ, 10 करोड़ का सवाल जो है। चले ये धुन तुमने पहले कभी सुनी है? नहीं। Will you dance with me? हाँ? कुछ नहीं। Will you dance with me? की तरह।
जो कहा भी नहीं हमने वो सुन लिया, ख्वाब ने ख्वाब को ख्वाब में चुन लिया, वक्त ने इश्क का आशिया बुन लिया, अब है तुम पे यकीन तुम बदलना नहीं, मौसम की तरह हम दम दम में दम है, अगर दम बदम हम कदम हो गए हम कदम हो गए हम दम की तरह। तुम यहां खड़ी हो, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। कुछ दिनों में ये खेल खत्म हो जाएगा और उस 10 करोड़ से उन जानवरों को घर भी मिल जाएगा। तुम भी पटेल को पैसे दे दोगे, हम जीत जाएंगे सिद्धांत। पर जानते हो इस जीत में सबसे बड़ी हार किसकी होगी? हाँ, आशुतोष की, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी होगी। Come on, yes. Come on, yes. Sidhant, Sidhant. Yes, come on, yes. Come on. Come on, come on. This is too much, yes. Oh, main thak gaya. Sidhant, please, main subah se try kar rahi hu, main ab tak nahi thaki Sidhant. Come on. Utho. Kya kar rahe ho yahan? Yes. Come on. Oh my God. Come on. Sidhant. Yeah. Oh, this is just too much. क्या है? गिर गया ना? झमटू झमटू ये स्टूपिड यू नो ऋतु, कितने कमाल का गेम शो है ये, नहीं? महीने भर की ऐश, 10 करोड़ का बोनस, ये जिस किसी का भी आइडिया है, बड़ा ही बेवकूफ होगा। क्या सोचा तुमने? 10 करोड़ लेकर तुम कहाँ जाओगी? ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड साउंड्स गुड। ठीक है, तो 10 करोड़ लेकर तुम न्यूजीलैंड चली जाओ। कुछ दिनों बाद मैं भी वहां पर चुपचाप पहुंच जाऊंगा। और वो लोग कौन सा हमें 20 साल तक फॉलो करने वाले हैं? और वहाँ पर हम जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन शादी के दिन तुम लाल साड़ी बिल्कुल मत पहनना, कोई ऐसा रंग पहनना जो पहले कभी किसी ने पहना ना हो, जैसे पर्पल। पर्पल? ओहो, व्हाट्स रॉन्ग विद पर्पल? व्हाट्स रॉन्ग विद रेड? अरे रेड इज अ वेरी डेंजरस कलर, लाल साड़ी पहनकर तुम्हारा दिमाग विमाग और फिर गया तो? और व्हाट डू यू मीन और? ऑलरेडी सर फिर हो उस पर लाल रंग, आर यू क्रेजी? हाउ डेयर यू, होने वाली बीवी के बारे में कोई ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसा बोलता है? अपने होने वाले पति को कोई ऐसे मारता है? हाँ, ओ, ओ। अच्छा, 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 सॉरी, सॉरी। ठीक है, माफ किया। और बताओ ना, और क्या करेंगे? फिर हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे।
और उसका नाम रखेंगे हमदम। नो सिद्धांत, हमदम हमारे बंगलों का नाम होगा, रेस्टोरेंट का नाम होगा जिग्मा, असली मस्ती असली मजा। लेकिन बच्चों का नाम तुम कुछ भी रखना, टोनी और दिया मत रखना। आई जस्ट हेट देम। और वैसे भी हमें बहुत सारे नाम ढूंढने पड़ेंगे। आई लव किड्स। घर पे 6-7 बच्चे तो होने चाहिए। बस सिर्फ 6-7 बच्चे, एक पूरी क्रिकेट टीम तो बना ही लेंगे। न्यूजीलैंड में पॉपुलेशन की कोई कमी थोड़ी है, और तुमने तो अभी से फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी। बाप रे बाप, इसका मतलब यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, हम वहाँ एक छोटा सा एनिमल होम भी खोलेंगे, मासूम बेजान जानवरों के लिए। ओके ओके मैडम। एक मियाँ एक बीवी, 12 बच्चे और 25 कुत्ते, और और तुम्हारे लिए 70 लाख की गाड़ी, और वो सब कुछ जो तुम चाहो। इतना प्यार करती हो मुझसे? सच सच। तो भाग चलो मेरे साथ, कोई ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, ना आई, ना बाबा, ना रोहित और ना आशु। तो अच्छा सुनो, आई होप यू नो कि अगर प्रिकॉशन ना लिए जाए तो खड़ी गाड़ी पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्या? और मेरा असली नाम एंथनी है, टोनी मुझे लोग प्यार से बुलाते हैं। एंथनी इज अ गुड नेम ना। ओके गाइस, बैक टू मुंबई। And the name of the game is Humdum, the game of love and money. और हमारे साथ हैं हमारे contestants सिद्धांत और रुतु। So tell me सिद्धांत, तुम दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते, right? Yeah, right. और तुम? Yeah. I mean actually we know what you actually want to say. हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से जबरदस्त नफरत करते हो। यू हेट ईच अदर। एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, तुम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। Am I right? Yeah. So be it. हम तुम दोनों की तमन्ना पूरी कर देंगे। तुम दोनों अकेले रहोगे एक हफ्ता हमारे चौथे राउंड में। अकेले हम अकेले तुम, यानी कि एक हफ्ता 7 दिन 168 घंटे 10,080 मिनट 6,04,800 सेकंड तक तुम दोनों एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख सकते। नॉट इवन अ सिंगल फोन कॉल। मैं सोच रही थी हम अगर रुतु की शादी आशुतोष से ना करें तो क्या हर्ज है? और अगर आशुतोष से शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आशुतोष से शादी नहीं करेगी तो किससे करेगी? किसी से भी, जैसे सिद्धांत। सिद्धांत से शादी करेगी तो गेम शो हारना पड़ेगा, और अपने बेचारे जानवरों का क्या होगा? ऊपर वाला उनका कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही देगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। अब 24 को शादी है और तुम आप सोच रही हो? तो क्या हुआ, हमने शादी तय की है, हमारी बेटी है, हम नहीं करना चाहते। What's the problem यार, तुम भी खामखा कुछ भी। क्या है आई, ये कैसा डिस्कशन है? 24 को शादी तय हो चुकी है ना, फिर? बेटा मैं तो मैं 24 को सिद्धांत के साथ शादी कर रही हूँ, बस।
कैसे हैं? अरे आप ही गाड़ी ठीक हो गई, ड्राइवर को भेज दीजिए। बाजी वो। हेलो सर, पटेल जी आपने बुलाया? हाँ, आज दावत आएगी, चावल पक रहे हैं, बकरे को बुलाया काटने के लिए। बकरे कहाँ है? ओ पिद्दी चुप कर, यहाँ ने मैं तेरी टांग घिस गई। नहीं नहीं, टांग तो ठीक है, आप डरिए मत पटेल साहब, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। ओ हम डरेंगे तेरे से या इस चिकने मुंडे से? मेरा मतलब वो नहीं था, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, अभी तो आखिरी राउंड चल रहा है, फिर हम आपके पैसे आपके पैर पे मार देंगे। ओ पैर दिया मुंह पर, आप कहते हैं तो मुंह पर भी मार देंगे। एक हफ्ते की तो बात है ना सर? बात एक हफ्ते की नहीं है, बात इसकी नियत की है। मैं कल रात देख रहा था इसको टीवी पर, इसके तो तेवर ही बदले हुए हैं। पहले तो अफलातून बना घूमता था, अब जरा शक्ल देखो इसकी, एकदम देवदास बना हुआ है। अरे क्या गारंटी इस बात की कि रुपए को ही चुनेगा? ऐसे कैसे हो सकता है, इसे मालूम नहीं है क्या कि भाई कितना हुआ? 70 लाख पे एक महीने का ब्याज मिला के 75 लाख। सुना, 75 लाख। अब जाओ, एक हफ्ते के अंदर आ जाना। ओ चिकने, अब तो तूने पैसे ही चुने हैं तो कुड़ी हमारे लिए छोड़ देना, क्या मस्त पटाखा है, एक बार मिल जाए। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। चलो डैड, मैंने 70 लाख की गाड़ी ठोक दी है। उस दिन जो आदमी घर पर आया था वो गाड़ी का मालिक था, वो अपने पैसे मांगने आया था। वो पैसे मैं उसे दे दूंगा, इसीलिए मैं गेम खेल रहा हूं और मैं जीतूंगा डैड, मुझे जीतना पड़ेगा। आज तक मैंने आपको कोई भी अपनी गलती नहीं बताई डैड, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप हमेशा मुझे अच्छा देखना चाहते हैं, इसीलिए आज तक मैं हमेशा अपनी हर गलती आपसे छुपाने की कोशिश करता रहा। मैं और झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। एक्सेप्ट इट डैड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मैं आपका बेटा हूं, मैं बुरा हूं। दरिया है रेत का ये, हम जिसमें बह रहे हैं, खामोशी की जुबां में हम क्या क्या कह रहे हैं, खामोशियों के इस शोर में हो जाए ना कहीं बेजुबान, बेजुबान।
सिद्धांत है ना, वो लेकर आया इसे, अभी अभी गया है। Hi. What's wrong? कुछ नहीं। एक बात पूछूं रतु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि शादी सिर्फ मेरी हो रही है? नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूं अपनी शादी में। ऐसा क्यों कह रहे हो आशुतोष? कितनी अजीब बात है ना रतु, तुम इस खेल में ऐसी उलझ गई हो कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि कुछ दिन बाद हमारी शादी है। एनीवे, तुम्हें एक और कार्ड देना था, सिद्धांत का कार्ड। आई नो कल के बाद वो तुम्हें 20 साल तक नहीं मिल पाएगा, लेकिन कार्ड देना जरूरी है ना, नहीं तो बुरा लगता है। ओके, आई सी यू। स्क्रिप्ट फाइनल करो और फिर उसका प्रिंट आउट लाके मुझे अभी वापस लाके दो। हे सिद्धांत, यू लकी गाय, हाउ यू डूइंग? ग्रेट, 10 करोड़ जो मिलने वाले। हे, अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारा वो न्यूजीलैंड वाला प्लान कामयाब होने वाला है तो भूल जाओ। ओ नो यार, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लोग ने फ्लावर पॉट में माइक्रोफोन लगाकर हमारी सारी बातें सुन ली। शिट, तूने तो मेरा प्लान ही फेल कर दिया यार। तुम्हें पता था? या और वो सारी बातें जो हमने सुनाई वो तुमने सुनी। दैट वाज ऑल अ जोक, सॉरी। डोंट लाइ टू मी सिद्धांत, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? वो सब झूठ था, सिर्फ झूठ। हेलो। हाँ बोल। देख सिद्धू, मैं जानता हूं तेरे दिल में क्या है, तू बुरा मत मान। मैं और फोन नहीं करूंगा, 6 बार तो कर चुका है। पर तू समझना सिद्धू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देख, तुझे वो 10 करोड़ चुन नहीं होंगे, नहीं तो वो पटेल अपनी वाट लगा देगा यार। जानता है वो कितना खतरनाक है, और उसने उस दिन क्या बोला वो भी सुना तूने? वो हमें नहीं छोड़ेगा यार। हाँ, बहादुर नहीं है यार। याद है तुम्हें पहली बार हम इसी कमरे में मिले थे और आज आखिरी बार मिल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है 20 साल के बाद मैं तुमसे मिलूंगा? ओह नो मैम, 10 करोड़ मिल जाने के बाद मैं हवाई की किसी आइलैंड पे रहूंगा विद ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड मी। एक मेरा बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर। 24 तारीख को मेरी शादी है। आशुतोष ने तुम्हारे लिए दिया। आशुतोष ने इनवाइट किया, तुमने नहीं। मैं जानती तुम नहीं आओगे। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं? मैं तो जरूर आऊंगा, मैं तो भेष बदल कर दाढ़ी वाड़ी लगाकर जरूर आऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं आऊं? हाँ, तुम और आशुतोष एक साथ स्टेज पे खड़े होगे। ओ वाओ, व्हाट अ कपल, ब्यूटीफुल। तुम एक करोड़पति और वो तुम्हारा पति, फिर शादी के बाद हनीमून। यस, तो कहां जा रही हो हनीमून के लिए? स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, न्यूजीलैंड। हाँ हाँ, लेकिन 10-12 बच्चों की फरमाइश मत करना अपने मिस्टर पति से, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। और तुम तो जानती हो रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। और बी सेफ। हाँ, यू सिक।
वैसे ही थे हमेशा और ऐसे ही रहोगे तुम। ना कभी अपने डैड को बता पाए और ना कभी मुझे। श्योर ये पिछले चंद हफ्ते जो तुमने हमारे साथ गुजारे हैं तुम्हारी लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस होगा। टेल अस समथिंग अबाउट इट। सिद्धांत पहले तुम। आई डोंट नो, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो कह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आज तक मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। मैं कभी नहीं कह पाया कि मैं एग्जाम्स में नकल करके पास हुआ। मैं कभी नहीं कह पाया कि मैं अपने पड़ोस की आंटी पर लाइन मारता था। मैं कभी नहीं कह पाया कि मुहावरे सुधारना कितना मुश्किल काम होता है। मैं ये भी नहीं कह पाया कि एक चेहरा खराब मेकअप में भी कितना अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं कह पाया किसी और का यूनिवर्सिटी में टॉप करना कितना बुरा लगता है। मैं कभी नहीं कह पाया कि कुकी से जब गलत फॉर्च्यून निकलते हैं तो गुस्सा क्यों आता है। मैं ये भी नहीं कह पाया कि मुझे अपने ही मजाक से कितनी तकलीफ पहुंचती है। और मैं ये भी नहीं कह पाया कि जब किसी और को अपने लिए परेशान देखता हूं तो मुझे अच्छा क्यों लगता है। मैं कभी नहीं कह पाया कि अकेले रहने का ख्याल कितना डरावना होता है। जब कोई आदत बन जाए तो उसे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि मैं आइंदा भी अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बोलना तो मैं जानता हूं, कहना नहीं जानता। क्या तुम भी कुछ नहीं कह पाओगी रुतु? मेरा कुछ कहना जरूरी नहीं है। बातों में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे क्लाइमैक्स पे चलते हैं। फॉर लव और फॉर मनी, कौन बनेगा इनका हमदम, प्यार या पैसा? इनके सामने के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है प्यार। इनको इस स्क्रीन को छूकर किसी एक को चुनना होगा। तुम दोनों को मैं एक बात याद दिला दूं कि तुम दोनों में से अगर किसी एक ने भी प्यार को चुना तो दोनों को पैसे नहीं मिलेंगे। 10 करोड़ जीतने के लिए तुम दोनों को पैसे ही चुनने पड़ेंगे। Got it दिया। पर एक बात तुमने इन दोनों को नहीं बताई, वो ये कि अगर ये दोनों पैसे चुन भी लें तो कल इन्हें सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और फिर हर 5 साल बाद इन्हें 2-2 करोड़ रुपए के चेक पहुंचा दिए जाएंगे ताकि ये 20 साल तक कहीं भाग ना जाएं। और खासकर न्यूजीलैंड तो हरगिज़ नहीं। आप दोनों को 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इस घड़ी पर आप वक्त को निकलते हुए देख पाएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
दो मिनट मेरे बगैर रह नहीं सकती, 20 साल क्या रहोगी? तो मैंने उनसे बात कर ली है, ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही हमें 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और फिर वहां से हम वेनिस चलेंगे। जानती हो दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह है वेनिस। स्टॉप इट आशुतोष, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। एक बात पूछूं, अगर तुम्हें पैसे ही चुनने थे तो तुमने बजर दबाने में 1 मिनट क्यों लगाया? जो जानते हो वो सुनना क्यों चाहते हो? तुम जानती हो तो कहना क्यों नहीं चाहते? Come on रतो, we don't love each other. हम दोनों के घर वालों ने हम दोनों की शादी तय कर दी। अगर उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की होती तो शायद मैं उससे शादी कर लेता और बाद में शायद उसी से प्यार भी हो जाता। तो मैं तुमसे शादी क्यों कर रही हूं? क्योंकि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैं उसका 20 साल तक इंतजार तो कर सकती हूं ना। ये कहा तुमने उससे? शायद मैं भी सिर्फ बोलना जानती हूं, कहना नहीं जानती। तो ये बात तुम मुझसे यहां बैठकर तो नहीं कह सकती हो ना? कम ऑन आउट गो। तुम जानते हो सिद्धांत, तुम्हारी मां क्या कहा करती थी? मेरे बेटे को दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनाना। पर मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक जीतने वाले बेटे पे तो हर बाप को गर्व होता ही है, लेकिन मेरा बेटा हारना भी जानता है। प्यार में जरूर तुम हार गए, पर फिर भी जीत तुम्हारी ही हुई है। आई एम प्राउड कि तुम मेरे बेटे हो और सबसे अच्छे हो। मैंने
मैंने ये घर बेच दिया है। पटेल को 75 लाख रुपए देने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बचेंगे कि हम दूसरा घर ले सकें। हाँ, मैं जानता हूं कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली के लिए कोई भी घर छोटा ही पड़ेगा, पर फिर भी हम सब छोटे से घर में रह लेंगे। हम सब कौन? हाँ, ओम ने मुझे बताया काफी देर से। वैसे गाड़ी तुम काफी तेज चला लेते हो, है ना? और तू, अब तेरी तो और खोता था पुत्र। किसने मेरी गाड़ी की माँ बहन की है? और रुको, और कौन है? और कहाँ गया? अबे तेरी तो और साले गधे, तेरे बाप की गाड़ी है। अबे रुक जाए, और रुक। अबे सिद्धू, तुझे भी उसी की गाड़ी मिली थी ठोकने के लिए। क्या करें भाई साहब, अभी जल्दी टैक्सी से किसी ने अपना। अरे मैडम, टैक्सी से धुआं निकल रहा है, देख रहे ना आप? बोले जा रहे हैं आप, अब दूसरा टैक्सी ले लो। दूसरा टैक्सी मिलता नहीं इधर कोई। कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं? ठंडा होगा तब चलेंगे। देखिए जरा आपको गाड़ी, आपको समझ में नहीं आता कैसे ठीक कर। आप दूसरा टैक्सी लीजिए ना, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? लीजिए लीजिए। हद है यार, हद है। टैक्सी, कुत्ते वाली। बोला ना खराब है। तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। तुम्हें पता है अभी जो हम यहाँ मिल रहे हैं ना, हमारा 20 करोड़ का घाटा हो सकता है। मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम एक 40 साल की औरत से शादी करोगे? नहीं, मैं एक 20 साल की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर वो मेरे नए छोटे से घर में अपने 25 बेजुबान बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो तो। डैड ने घर बेच दिया, पटेल को उसके पैसे मिल जाएंगे, फेराम भाई को भी उसका घर। क्या अभी तुम्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए? बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मानूंगी। मैंने पटेल की एक और गाड़ी ठोक दी है। नो, अरे सिद्धांत, अरे 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 मुझे हरविंदर ने देखा नहीं? अरे आई स्वेयर देखा नहीं? अरे ये चल रही है सिद्धांत, तुम्हें सब क्या कह सकते हो? अरे नो, आई डोंट लिसन टू एनीथिंग। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू टू। सिद्धांत और ऋतु की शादी हो गई और वो अपने सारे बच्चों के साथ अपने नए घर पे चले गए। बैनर्जी का चैनल हो गया नंबर 1, उन्हें बेस्ट टीवी चैनल का अवार्ड भी मिल गया और उनके 10-10 करोड़ रुपए भी बच गए। टोनी यानी कि मुझे रिया को चाय पिलाने का मौका मिल ही गया। इस बार पटेल को गाड़ी ठोकने वाला नहीं मिला, इसलिए उसने हरविंदर को ही ठोक दिया। अरे तो तूने उसको ढूंढा क्यों नहीं? 15 लाख का सवाल है, तूने मेरी गाड़ी ठोकवाई है ना, अब मैं देख तेरे को ठोकता हूँ। और आशुतोष, आशुतोष ने एक गेम शो में हिस्सा लिया था, क्या नाम था उसका? हे